ओके, रोटेशनल मोशन के अंदर हमने क्या किया था, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के अंदर हमने किया था एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, पहला फॉर्मूला। एंड एंगुलर मोमेंटम टॉर्क की तरह हमने ये डिस्कस किया था कि अगर किसी बॉडी का लीनियर मोमेंटम एम वी है और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सिस एच है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एम वी इंटू कितना एच। ये हमने दो फॉर्मूलाज सीखे, लाइट ठीक, ये दो फॉर्मूला सीखे। इसके बेस पे हमने ये सीखा कि एंगुलर मोमेंटम अगर मान लो टॉप मोस्ट पॉइंट पे निकालना है एक प्रोजेक्टाइल का, तो यहाँ पर क्या होगा, एम इंटू वी कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, एच एम। तो लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, राइट। ये प्रूफ हमने किए, दो प्रूफ हमने कर लिए थे, केपलर का और एंगुलर मोमेंटम का। एक और फॉर्मूला था एल इज इक्वल टू आई टाइम्स ओमेगा, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। इसके बेस पे आज हमने क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के कुछ एग्जांपल्स करने हैं। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के एग्जांपल्स में सबसे पहला एग्जांपल है, या एग्जांपल की जगह एक काम करो, एग्जांपल की जगह एक यहाँ पे नोट लिखो, नोट एग्जांपल नहीं है, नोट लिखो, नोट ठीक, एक नोट लिखो। इसके अंदर क्या लिखना है देखो, इसके अंदर आपको ये बताना है, जैसे आपके पास एक स्फीयर है, स्फीयर अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है विद ओमेगा, और स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट्स 2/5 mr². मैंने क्वेश्चन पूछा फाइंड एल, तो आपने बोला एल इज इक्वल टू आई टाइम्स ओमेगा, आई की जगह 2/5 mr² इंटू क्या, ओमेगा। तो एल इज इक्वल टू आई टाइम्स ओमेगा आपका आंसर आ जाएगा, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक। तो अगर ये फिगर स्फीयर ना होती, डिस्क होती, तो हाफ एम आर स्क्वायर, अगर ये रिंग होती एम आर स्क्वायर, तो इस तरीके से आप अपना आंसर निकालते, राइट। लेकिन सपोज मैंने क्वेश्चन चेंज किया, मैंने क्वेश्चन में क्या कहा, सपोज देयर इज अ पॉइंट मास, पॉइंट मास एम इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस विद ओमेगा, तो पॉइंट मास की टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी है, वी। तो पहला क्वेश्चन की पॉइंट मास अगर अपने एक्सिस के अबाउट घूमता है, ये पॉइंट मास है, इट इज रोटेटिंग विद लेट अस सपोज ओमेगा, और पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr² तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, आई टाइम्स ओमेगा, यानी कि mr² इंटू ओमेगा, डन, बिल्कुल सही है, क्योंकि पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr² और इंटू क्या करेंगे, ओमेगा, आंसर आ जाएगा, कोई डाउट इसमें। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें ओमेगा नहीं गिवन होता, हमें इस पॉइंट मास की टेंजेंशियल वेलोसिटी गिवन होती है, कितनी, वी। तो हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर। तो एंगुलर मोमेंटम पॉइंट मास का वी कैन राइट आई टाइम्स ओमेगा, आई की जगह व्हाट, एम आर स्क्वायर, ओमेगा की जगह क्या, वी बाय आर, आर से आर कैंसिल, आंसर एम वी आर। तो आप एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पॉइंट मास के लिए एम वी आर यूज कर सकते हैं, क्लियर है यहां तक, एमवीआर यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मेरे पास तो स्फीयर है, तो क्या मैं स्फीयर जो रोटेट कर रहा है उसके लिए यूज करूं आई टाइम्स ओमेगा या एमवीआर, नहीं, स्फीयर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आई टाइम्स ओमेगा, और आई को क्या पुट करना पड़ेगा, 2/5 mr², क्लियर है यहां तक। तो एमवीआर का फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट मासेस। क्या आपने ये फॉर्मूला पहले कभी सुना हुआ है, सुना हुआ है कहां पे, एंगुलर मोमेंटम किस चैप्टर में, किस टॉपिक में, केमिस्ट्री में, यूनिट एंड डायमेंशन, बिल्कुल सही, यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ा है, केमिस्ट्री में सुना हुआ है, केमिस्ट्री में एक इलेक्ट्रॉन घूमता है बोहर्स मॉडल, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एमवीआर। तो लोग तो ठीक ही बोल रहे हैं ना, केमिस्ट्री थोड़ा थोड़ा तंग करती है शुरू शुरू में, क्यों करती है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम की तो नॉलेज नहीं, और उसको याद कर रहे हैं एमवीआर, तो अजीब लगता है। लेकिन अब वो बेटर लगेगी, बढ़िया लगेगी और आसान भी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि अब हम टर्म्स को सीखते जाएंगे, एंगुलर मोमेंटम, सेंट्रिपिटल, सेंट्रीफ्यूगल आप पढ़ते हैं उसमें, अब चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। तो एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या माना जाता है, पॉइंट मास, तो पॉइंट मास के लिए यूज एमवीआर, कोई डाउट इसमें। तो आपके पास ये फॉर्मूला आ गया, अब इसके ऊपर क्या एप्लीकेशन है, इसके ऊपर एप्लीकेशन है, सपोज आपके पास मान लो एक प्लैनेट है या अर्थ है, सन है, और सन फोकस पे है, तो रेडियस
अर्थ का आर वन है और यहां से आर टू है, टेंजेंशियल वेलोसिटी वी वन है, टेंजेंशियल वी टू है। अर्थ की वेलोसिटी सेम नहीं रहती जब अर्थ रोटेट करती है सन के आसपास, नो एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड, एंड इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड तो हमने डिस्कस किया था टॉर्क क्या होता है, डीएल बाय डीटी, इफ टॉर्क इज जीरो तो एल इज कॉन्स्टेंट, ये हमने पढ़ा था। तो अर्थ अगर घूमती है सन के आसपास तो उसका एंगुलर मोमेंटम एल क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। अब एल होता क्या है, आई टाइम्स ओमेगा, या फिर उसमें क्योंकि अर्थ को अगर पॉइंट मास मान लिए सन के सामने तो एम वी आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो m तो वैसे ही कांस्टेंट है, कांस्टेंट को m से डिवाइड करेंगे तो नया कांस्टेंट, तो क्या आएगा v into r is a constant। आप एक चीज बताएं, अगर v into r दो नंबर्स का प्रोडक्ट कांस्टेंट है और एक नंबर बढ़ाते हैं तो दूसरा नंबर कम हो जाता है, तो अगर r की वैल्यू इंक्रीज है तो v की वैल्यू डिक्रीज है, क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो इसका मतलब जब अर्थ सन से दूर होगी तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी कि कम होगी, कम होगी, और अगर डिस्टेंस कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी कि कम होगी, ज्यादा। तो अर्थ पता है कैसे घूमती है, जब सन के पास होती है तो स्पीड तेज हो जाती है, जब दूर होती है तो स्पीड स्लो हो जाती है, तो इस तरीके से घूमती है, ठीक है यहां तक। तो ये क्यों घूमती है, बिकॉज उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कॉन्स्टेंट। कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो उसके अंदर अभी जो मूवी भी आई थी अक्षय कुमार की, मंगल, मिशन मंगल, उसके अंदर यही तो कॉन्सेप्ट था, पेरिजी अपोजी, हम फ्यूल कैसे बचाएंगे, वो कहता था कि ये मान लो कोई भी, ये अर्थ है, अर्थ के आसपास सैटेलाइट है, सैटेलाइट इस तरीके से घूमेगी, जब वो यहाँ पे आएगी उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, हम इंजन को ऑन कर देंगे, इंजन ऑन होगा तो टेंजेंशियल वेलोसिटी बढ़ेगी जिससे कि बड़ा चक्कर में घूमेगा वो, इंजन ऑफ कर देंगे क्योंकि गोल घूमने के लिए हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, उसको ऑन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा होता है कि वो अपने आप ही चीज सर्कल में घूमती रहती है, तो वापस ये यहाँ पे आएगी, फिर एकदम इंजन जो है ऑन होगा, फिर बड़े सर्कल में घूमेगी, इस तरीके से अर्थ से दूर चलती जाएगी। तो ये ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट यूज किया था जिसके ऊपर वो बेस थी, कैसे फ्यूल को बचाया जा सकता है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो ये स्पीड चेंज होती रहती है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक। तो अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि अगर अर्थ श्रिंक हो गई टू अ रेडियस ऑफ आर बाय एन, मास रिमेनिंग दी सेम, मास सेम है, तो अगर मान लो अर्थ घूम रही थी, अब ये मत पूछो कैसे श्रिंक हो गई, बस हो गई, किताबों के अंदर हो गई, असली में नहीं हो सकती, घूमती घूमती मास रिमेनिंग दी सेम और घूमती घूमती इसका रेडियस आर बाय टू हो गया, तो पहले वो घूम रही थी विद ओमेगा वन, अब बताओ वो कितने ओमेगा टू से घूमेगी, उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा चेंज हो जाएगी। इसको समझने के लिए मैं आपको पहले दो छोटे छोटे एग्जांपल देता हूँ, फिर बड़े एग्जांपल पे जाएंगे। जैसे आप इमेजिन करो आपके पास एक देख रहे हो एक स्केटर को गोल गोल घूमते हुए, स्केट्स डाल रखे हैं, आपने देखा होगा कि कोई स्केटर जब अपनी बॉडी को फोल्ड कर लेता है ना, बिल्कुल इस तरीके से फोल्ड कर लिया, उसकी स्पीड घूमने की बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, और अगर उसकी स्पीड को कम करना है वो अपनी बॉडी को ओपन कर लेता है, जितना ज्यादा ओपन करेगा उसकी घूमने की स्पीड उतनी स्लो हो जाएगी, अगर तेज करना है तो बॉडी को क्या कर लेगा, फोल्ड कर लेगा, क्लियर। ऐसा क्यों, क्योंकि कोई जाके उसको घुमा नहीं रहा, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, एल इज अ कॉन्स्टेंट, तो आई इंटू ओमेगा इज अ कॉन्स्टेंट। अगर वो बॉडी को फोल्ड करता है तो यानी कि अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम करता है, क्योंकि एक्सिस से सारे पार्टिकल्स पास आ रहे हैं, आई कम होगा तो ओमेगा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, और अगर बॉडी को खोलता है तो आई की वैल्यू को ज्यादा करता है तो ओमेगा कम हो जाता है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कि बॉडी को फोल्ड करने से चीज या कोई भी बॉडी तेज तेज क्यों घूमती है। जैसे दूसरा एग्जांपल है, मान लो एक मिनट के लिए कोई स्विमिंग पूल में जंप करने जा रहा है और सपोज करो अपनी बॉडी को पूरा खोल के जंप करता है, हद से हद क्या होगा, ये गया ऐसे गिर जाएगा, बात खत्म। लेकिन आपने कंपटीशन देखे होंगे, बंदा जंप करता है अपनी बॉडी को बिल्कुल फोल्ड कर लेता है और फिर समरसॉल्ट गोल 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 नीचे जाता है, क्यों, क्योंकि जो कोई अपनी बॉडी को फोल्ड करके जितना छोटा कर लेगा, फोल्ड करेगा, आई जितना कम करेगा ओमेगा उतना ज्यादा होगा, क्लियर है यहां तक। तो ये भी सेकेंड पॉइंट भी क्लियर है। तीसरा पॉइंट, कैट्स या एनिमल्स जब जंप करते हैं एक जगह दूसरी जगह, अपनी बॉडी को ओपन करके जंप करते हैं, ठीक, अगर वो फोल्ड करके जंप करेंगे तो हवा में
समरसॉल्ट हो जाएगा और गुल 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 घूम के गिरेंगे। तो कोई भी एनिमल है, कोई भी चीज़ है, बॉडी को एक्सपैंड करके जंप करता है ताकि ओमेगा उसका उतना ही कम हो जाए। तो बाई इंक्रीजिंग आई वी कैन डिक्रीज ओमेगा। ठीक, दो एग्स हैं, दो अंडे हैं, एक कच्चा अंडा है रॉ और एक बॉइल्ड है। तो घुमा दिया, कौन किसका ओमेगा ज्यादा होगा? जो कच्चा अंडा है रॉ, वो लिक्विड है उसके अंदर, जब वो एक्सिस पे घूमेगा तो लिक्विड दूर दूर जाएगा, हालांकि शेल के अंदर होगा पर फिर भी दूर दूर जाएगा सेंट्रीफ्यूगल की वजह से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें क्या होगा? इंक्रीज, दूर जाने से पार्टिकल्स का एक्सिस से आई इंक्रीज होता है, तो ओमेगा क्या होगा? कम, क्योंकि अगर आई बढ़ेगा तो ओमेगा कम। लेकिन अगर वो बॉइल्ड है तो आई उसका क्या है? कम, क्योंकि वो चिपक चुका है, एक्सिस के साथ आ चुका है। तो आई कम हो गया तो ओमेगा क्या हो जाएगा? ज्यादा। एक ही एक्सप्लेनेशन है इसमें, ठीक है यहां तक। एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेट वो प्लेटफॉर्म घूम रहा था, कोई मोटर नहीं कुछ नहीं, ऐसे घुमा दिया, कोई फ्रिक्शन नहीं, घूमता ही जा रहा है, बंदा खड़ा है उसके ऊपर। उसके हाथ में दो बड़े बड़े डंबल्स हैं, डंबल बहुत भारी होते हैं, तो उसने डंबल्स को खोल लिया, तो यानी कि मास एक्सिस से बहुत दूर चला गया, अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया उसका? इंक्रीज। तो ओमेगा क्या हो जाएगा उसका? डिक्रीज। तो प्लेटफॉर्म की स्पीड देखना स्लो हो जाएगी, लेकिन जैसे ही डंबल्स को पास लेके आएगा एक्सिस की तरफ, तो आई क्या हो गया? कम। तो ओमेगा क्या हो गया? प्लेटफॉर्म की स्पीड बढ़ जाएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये सब के सब क्या फॉलो करते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सेम केस है, अर्थ घूमती घूमती छोटी हो गई, मास रिमेनिंग द सेम, तो हो जाए जितना उसका एंगुलर, क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क तो लगाया नहीं, तो जितना एंगुलर मोमेंटम पहले था कितना था? I1 into omega 1, बाद में भी exactly क्या हो जाएगा? सेम, कितना? I2 into omega 2, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। I1 omega 1 is equal to I2 omega 2, तो इसके अंदर पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था अर्थ का? 2 by 5 m r square, और ओमेगा क्या था? 2 pi by t 1, और अर्थ जब नॉर्मल रेडियस की है उसका टाइम पीरियड क्या था? 24 आवर्स, और बाद में क्या हो गया? 2 by 5 m r की जगह R by 2 किया है इसमें, R by, अच्छा इसमें n कर लो प्लीज, R by 2 की जगह R by n करो, रेडियस R by 2 नहीं है, रेडियस R by n की है, तो फिगर में चेंज करो, R by n है। तो यहां पर अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? 2 by 5 m R by n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 pi by t2, तो यहां से सॉल्व करो, t2 की वैल्यू आ जाएगी 24 by n स्क्वायर, तो टाइम पीरियड की वैल्यू इस तरीके से क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, जैसे आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आपके पास मान लो अर्थ है और ये सन है, तो अर्थ घूम रही है, यहां पर उसकी वेलोसिटी गिवन है, रेडियस यहां पे गिवन है, रेडियस यहां पे गिवन है, वो कहेगा यहां वेलोसिटी निकालो, तो कोई बात नहीं, m into v1 into r1 can be written as m into v2 into r2, क्योंकि पॉइंट मास के लिए वी कैन यूज mvr, तो mvr का जो प्रोडक्ट है वो इनिशियल और फाइनल यानी कि दोनों पॉइंट पर क्या रहेगा? एग्जैक्टली सेम। तो यहां पर आपको क्वेश्चन में v1 r1 गिवन होगा, r2 गिवन होगा, और क्या निकालना है? v2 निकालना है। कोई डाउट इसमें? तो प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि कैसे सॉल्व होएगी? एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको देखो। जैसे आपके पास एक रॉड है, ये आपके पास एक रॉड है, इस रॉड में, ये जो रॉड है इसके अंदर, इस रॉड में थिन रॉड है, ये एक्सिस इसका ऐसे है, दो बीड्स हैं छोटे मास m के, दो बीड्स हैं मोती, और वो बिल्कुल इसके एक्सिस पे है, रॉड का मास खुद का कैपिटल m है और रोटेट कर रही है विद व्हाट? ओमेगा। घूमते घूमते क्या हुआ? घूमते घूमते ये जो रॉड है, जो बीड्स हैं, वो कहां पर आ गए? कोने में आ गए, कोने में, घूमते घूमते कोने में। हमने एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाया, तो बताओ इसका नया ओमेगा क्या होगा? तो याद रखना, पहले जितना भी आई वन इंटू ओमेगा वन, और बाद में भी आई टू इंटू ओमेगा टू का प्रोडक्ट क्या रहेगा? सेम। पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का बोलो क्या है? एम एल स्क्वायर बाय 12, और बीट्स का जीरो, क्योंकि बीट्स कहां पर है? एक्सिस पे है, और अगर कोई पॉइंट मास एक्सिस पे है उसका कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं। नेक्स्ट ओमेगा वन, ओमेगा वन की वैल्यू क्या होगी? ओमेगा, ओमेगा से रोटेट कर रहे, बाद में बीट्स कॉर्नर पे आ गया एट अ डिस्टेंस ऑफ व्हाट? एल बाय 2, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस छोटा एम इंटू एल बाय 2 का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2, क्यों? क्योंकि दो बीट्स हैं, एक पॉइंट का पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम इंटू एल बाय 2 का स्क्वायर इंटू 2 ओमेगा डैश,
तो यहां से ओमेगा डैश कैन बी कैलकुलेटेड। इस सॉल्यूशन में प्रॉब्लम है, इसको 12 करो, इसको 12 करो, इसको भी जहां जहां 3 दिख रहा है वहां वहां 12 करो। मैंने गलती से एम एल स्क्वायर बाई 3 डाल दिया, जबकि एक्सिस अगर बीच में से पास होता है तो एम एल स्क्वायर बाई 12 यूज करेंगे। ठीक है यहां तक? ठीक, तो ये वैल्यू है और इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? जैसे आपको एक क्वेश्चन आएगा, वो कहेगा एक डिस्क है, डिस्क अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही थी विद ओमेगा 1 और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I1। इस डिस्क के ठीक सेंटर पे एक और डिस्क को डाल दिया ताकि एक्सिस दोनों के कोइंसाइड करे, और कैसे रखा? जेंटली रखा। जेंटली वर्ड जरूरी है, क्योंकि अगर आपने जेंटली नहीं रखा, झटका दिया, टॉर्क लगा दिया, तो इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड, आपने एक्सटर्नल टॉर्क को क्या रखना है? 0। तो पता भी ना लगे पहली डिस्क को कि इसके ऊपर दूसरी डिस्क आ गई, इसको बोलते हैं जेंटली प्लेस्ड। इसका मतलब नो एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड। तो एंगुलर मोमेंटम जितना पहले था बाद में भी उतना ही रहेगा। बोलो पहले कितना था? I1 into omega 1 जब एक डिस्क थी, जब दो डिस्क आ गई, एक्सिस दोनों का सेम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया? I1 प्लस I2 और रोटेटिंग विद ओमेगा 2। तो यहां से ओमेगा 2 कैन बी कैलकुलेटेड। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे लॉजिक लगेगा? I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इनटू ओमेगा 2। कोई डाउट इसमें? जैसे आपने कोलिजन सुनी होगी, की थी लीनियर मोशन में, एनर्जी सुनी, एनर्जी कर ली, फोर्स सुना, टॉर्क कर लिया, लीनियर मोमेंटम सुना, एंगुलर मोमेंटम कर लिया, और लास्ट कोलिजन सुनी। कोलिजन भी खत्म है, पर चिंता ना करो, इतनी बड़ी नहीं है, दो लाइन में खत्म हो जाएगी। कोलिजन्स के अंदर दो एग्जांपल है, एक टेबल के ऊपर एक रॉड है, ठीक, टेबल के ऊपर एक इस तरीके से रॉड है, ये रही रॉड, हिंज्ड है, पेच लगा दिया, हिंज्ड है, गोली आई, इसको हिट करती है, ये घूमनी स्टार्ट हो जाती है। अभी कैसे घूमती है? सेंटर ऑफ मास एट रेस्ट, क्योंकि हिंज्ड है ना। दूसरा केस, हिंज हटा दो, गोली आई, इसको लगी, अब ये घूमेगी भी और साथ में आगे भी जाएगी, मतलब रोटेशनल मोशन भी होगा और ट्रांसलेशन मोशन भी होगा। दो केस क्लियर है यहां तक? तो दोनों में क्या कॉन्सेप्ट लगेगा ये ध्यान से देखना है, कि अगर जरूरत पड़े तो कोलिजन में क्या लगता है वो पता होना चाहिए। ये वैसी कोलिजन नहीं है कि मास M1 ने M2 को हिट किया, ये वैसी कोलिजन है कि जब हिट हुआ तो पहली बॉडी रेस्ट पे थी और वो बॉडी ने घूमना शुरू कर दिया। ये ट्रांसलेशन मोशन नहीं है, ये रोटेशनल मोशन है। तो पहले एक मेन चीज देखते हैं इसमें क्या लगेगी। पहले केस में कि हिंज्ड है, सेंटर ऑफ मास पहले भी रेस्ट पे, अब भी रेस्ट पे, कोई डाउट इसमें? मोशन में नहीं है, ठीक। तो इसमें जब रॉड घूमेगी, ये प्योर रोटेशन में घूमेगी, प्योर रोटेशन होगा, ठीक है यहां तक? दूसरे केस में आ जाओ, अगर मैं इसको हिंज नहीं करता तो ये घूमेगी भी और ये आगे भी जाएगी, इसका मतलब ये रोटेशनल में मोशन में भी होगा और ट्रांसलेशन मोशन में भी होगा। तो नीचे वाले क्वेश्चन में दो ही क्वेश्चन लगेंगी, रोटेशन एज वेल एज ट्रांसलेशन, और ऊपर वाले क्वेश्चन में ओनली प्योर रोटेशन। कोई डाउट इसमें? तो एक काम करते हैं, यहां से शुरू करते हैं। इसके अंदर अगर ये रॉड है, आपको इसमें क्या निकालना है? ओमेगा निकालना है। टक्कर के बाद ओमेगा क्या होगा? क्वेश्चन ही है, बुलेट आता है, इसको हिट करता है और खुद रेस्ट पे आ जाता है और रॉड घूमना शुरू कर देती है, ठीक। मतलब इसको हिट किया एक मास ने, वो खुद तो रेस्ट पे आ गया, मास इसने घूमना शुरू कर दिया। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप ऐसे लॉजिक लगा सकते हो कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, हाँ सॉरी बताना भूल गया, जब कोलिजन होती है और एक बॉडी टक्कर की वजह से घूमना शुरू कर देती है, इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे नॉर्मल ट्रांसलेशन मोशन में दो बॉल जब टक्कर खाती हैं, इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। रोटेशन के अंदर कोलिजन, इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी कि एंगुलर मोमेंटम इनिशियल और एंगुलर मोमेंटम फाइनल विल रिमेन सेम। कोलिजन से पहले बुलेट का एंड रॉड का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इनिशियल और फाइनल बुलेट का एंड रॉड का फाइनल एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन सेम। कोई डाउट इसमें? तो करें स्टार्ट। टक्कर से पहले
बुलेट ने एंगुलर मोमेंटम कितना जनरेट किया, पहले बताओ एक्सिस क्या होगा, एक्सिस इज ओ। एंगुलर मोमेंटम हमने निकालना सीखा था, बुलेट का लीनियर मोमेंटम कितना है mu, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से कितना है एच। तो एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, m into u into कितना h। क्या स्टेप क्लियर है? बुलेट ने एंगुलर मोमेंटम जो रॉड जो कोलिजन से पहले पॉइंट ओ के अबाउट वो लगाएगा, तो एम वी आर लगाया जा सकता है, इट्स अ पॉइंट मास। रॉड का एंगुलर मोमेंटम बोलो इनिशियली क्या था, जीरो। बाद में क्या हुआ, बुलेट किस पे आ गया, रेस्ट पे। रॉड का क्या हुआ, आई टाइम्स ओमेगा, क्योंकि रॉड का मैं एमवीआर नहीं पुट कर सकता, रॉड का आई इनटू ओमेगा। तो आप चेक कर सकते हो इक्वेशन, एमयूएच इज इक्वल टू आई टाइम्स ओमेगा। ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है कोलिजन का, पहला कोई भी कोलिजन का क्वेश्चन होगा पहला रूल यही लगेगा, एमयू इनटू एच या एमवी इनटू आर इज आई टाइम्स ओमेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, तो ये पहली क्वेश्चन लगेगी और क्वेश्चन आएगा ओमेगा निकालो, ओमेगा कैन बी कैलकुलेटेड, और आई क्या होगा, आई होगा एम एल स्क्वायर बाय 12, ये वैल्यू है। कोई कहता है एनर्जी कंजर्वेशन लगा ले, प्रॉब्लम नहीं है, लग भी सकती है अगर वो मेंशन कर दे कोई एनर्जी लॉस नहीं है, पता लगे एनर्जी लॉस हो जाए फिर, तो अगर एनर्जी लॉस नहीं है फिर उस केस में ये लग सकता है कि बुलेट के पास इनिशियल एनर्जी क्या थी, हाफ एम यू स्क्वायर, बुलेट की फाइनल एनर्जी जीरो होगी, रेस्ट पे आ गया, फिर रॉड प्योर रोटेशन में आ गई, हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर लगा लेना, हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर करेक्शन कर लेना, लेकिन वो तभी होगा जब वो बोल देगा इस केस में देर इज नो एनर्जी का लॉस, फिर आप लगा सकते हो, पर एंगुलर मोमेंटम से ही कोशिश करें, बिकॉज एंगुलर मोमेंटम तो इसमें लगेगा ही लगेगा। अब जैसे सपोज सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में सेंटर ऑफ मास मूव करता है, तो पहले क्वेश्चन में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, क्योंकि जब बुलेट हिट करता है तो एम यू एच इज इक्वल टू आई ओमेगा पहले भी लग रही थी और अब भी लग रही है, तो पहली क्वेश्चन तो वही सेम है, और आई की जगह क्या पुट कर सकते हैं, एम एल स्क्वायर बाय 12, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब क्योंकि इसमें ट्रांसलेशन मोशन भी है, ट्रांसलेशन मोशन में इक्वेशन क्या लगती है, ट्रांसलेशन मोशन में सेंटर ऑफ मास पे इक्वेशन लगेगी, तो क्या लगेगी, बुलेट किस पे है मोशन में, एम यू, और जो कैपिटल एम है रॉड किस पे पड़ी हुई है, एट रेस्ट, और बाद में बुलेट किस पे आ गई, रेस्ट पे, रॉड मूव कर रही है विद सेंटर ऑफ मास वी सेंट, नॉर्मल कोलिजन है जो हमने वर्क पर एनर्जी में की थी, तो ऐसे में क्या लगता था, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, ट्रांसलेशन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम हम ऊपर लगा चुके, लीनियर मोमेंटम में एम यू प्लस जीरो इज एम वी सेंटर ऑफ मास प्लस जीरो, तो यहां से वी सेंटर ऑफ मास कैन बी कैलकुलेटेड। और लास्ट एनर्जी इक्वेशन लग सकती है अगर एनर्जी लॉस नहीं है, कि पहले कोलिजन से पहले एनर्जी किसके पास थी, बुलेट के पास, रॉड के पास क्या थी, जीरो, बाद में रॉड के पास क्या आई, हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास स्क्वायर, और साथ में क्या आई, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, बुलेट के पास बाद में क्या हो गई, जीरो, तो एनर्जी कंजर्वेशन भी हो गई। आप एक काम कर सकते हो, यू की वैल्यू हमने ऊपर यहां से निकाल ली थी, इस वैल्यू को यहां पुट कर देना, वी सेंटर ऑफ मास को यहां पुट कर देना, इसमें यू आ रहा है ऊपर से यू यहां भी पुट कर देना, सॉल्व कर लेना, और जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसकी वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, हम निकाल सकते हैं, पर जब क्वेश्चन आएगा तब की तब देखेंगे, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये तो बस एक कॉन्सेप्ट है जिसमें ये बता रहा हूँ कि अगर ऐसी प्रॉब्लम आती हैं तो कौन कौन सी इक्वेशंस आपको हेल्प करेंगी ताकि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। क्लियर है यहाँ तक? तो अब लगा के देखते हैं तभी फायदा होगा। ठीक, तो एक काम करते हैं, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 40, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 40 ये लो, इसको अभी के अभी करो सॉल्व, और इसको भी क्लोज करते हैं। मिली
ठीक है, ऑब्जेक्ट शीट नंबर 40 जो अभी मैंने दी है, मैं क्लास में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, तो एज अ होमवर्क दे रहा हूँ मैं, टाइम आज का कंप्लीट हो गया है, तो टेस्ट लेने जा रहा हूँ मैं, और जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं एज अ होमवर्क लें, और नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे।